मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार 5 फरवरी से 25 फरवरी तक प्रत्येक गांव शहर में विकास यात्रा प्रारंभ की गई है। भिंड जिले के सभी विकास खंडों में विकास यात्रा रथ चलाए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को उनके प्रमाण पत्र एवं फोल्डर वितरण का कार्य विकास यात्राओं के माध्यम से किया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष भिंड श्रीमती कामना सिंह भदौरिया ने भिंड जिले के विकासखंड लाहर के ग्राम लबाहा, ग्राम मेहरा बुजुर्ग एवं ग्राम रेहावली वारी में पहुंचकर पात्र हितग्राहियों को प्रमाण पत्र एवं फोल्डर वितरित कर आमजन को सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी एवं शासन की योजनाओं से वंचित हितग्राहियों से रूबरू चर्चा कर उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों का तत्काल निराकरण कराया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह भदौरिया द्वारा ग्राम लबाहा में शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 14,97,000 की लागत के पेवर ब्लॉक कार्य एवं ग्राम मेहरा बुजुर्ग में कुल 4 हितग्राहियों को कुल 6 लाख रुपए से निर्मित प्रधानमंत्री आवासों का लोकार्पण किया गया। इस दौरान SDM लाहार आर्य प्रजापति मुख्य रूप से मौजूद रहे। भिंड से खबर हर पल के लिए पीयूष पिरथरिया की खबर। विकास यात्रा का यह पड़ाव है सर, आज लास्ट पड़ाव है। हमारी विकास यात्रा 6 तारीख से शुरू हो गई है, 5 से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो भिंड में आए थे। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आई योजनाएं लाई और लोगों को उन योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले, इसीलिए इस यात्रा का सोच विचार करके करा गया है कि यहाँ पे जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जो छूट गए हैं अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी करती ही है, पर ये उनके लिए भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई छूट जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वादा किया है और भूल गए। हमने बोला है कि लाडली लक्ष्मी योजना का आपको लाभ मिलेगा, तो क्या वो लाभ आप लोगों को मिल रहा है? इस यात्रा में आप ही बता सकते हैं कि वो लाभ हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आयुष्मान की जो योजना है 5 लाख जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को दे रही है अपने स्वस्थ रहने के लिए, क्या वो लाभ आपके परिवारों को मिल रहा है? किसान सम्मान निधि का जो आपको मिलता है 6,000 रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, 4,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, क्या वो लाभ हमें मिल रहा है? ये सब बातें आप लोगों को यहाँ खुलकर कहनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आप लोगों का हाथ पकड़कर खड़े रहने को तैयार है। हाँ, हम यहाँ आके बातें भूलने वाले नहीं है कि आज समय है तो हम आ गए हैं और कल नहीं है तो हमारा पता ही नहीं है हम लोग कहाँ हैं। हम हर पल आप लोगों के लिए हाथ पकड़ के यहाँ पे खड़े हुए हैं। बेझिझक आप अपनी जितनी भी परेशानियां हैं हमें बताएं।